नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 133वें जन्मोत्सव पर रेवाड़ी शहर से लेकर बावल कोसली सहित सैकड़ों कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहेब के दिखाए गए रास्तों पर चलने का आह्वान किया गया। इस दौरान बाइक रैली से लेकर अनेक भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। बावल में सूबे के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भारी संख्या में मौजूद समर्थकों के साथ बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं कहा कि भाजपा बाबा साहेब के अंत्योदय सिद्धांत पर काम कर रही है। वहीं कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने रेवाड़ी में बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। वहीं रेवाड़ी शहर के वार्ड नंबर 3 से पार्षद प्रवीण चौधरी ने संत शिरोमणि श्री रविदास मंदिर से एक रैली निकालकर बाबा साहेब के जयकारे लगाते हुए आम्बेडकर चौक पर संविधान निर्माता को नमन किया। इस दौरान उनके साथ भारी संख्या में उनके समर्थक खासकर महिलाएं भी मौजूद रही। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि अब मां के पेट से नहीं वोट से राजा महाराजा पैदा होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान के साथ छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब आपको दिखाते हैं किस तरह से तमाम तरह की रैलियां निकालकर जहां बाबा साहब का 133वां जन्मोत्सव मनाया गया, वहीं तमाम लोगों ने इसको लेकर क्या कहा। क्या कहेंगे आज बाबा साहब की जयंती है, उसमें पूरा कार्यक्रम किया, क्या पूरा कार्यक्रम था? आज पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जयंती समारोह मनाई जा रही है और मैं आपके माध्यम से पूरे देश प्रदेश और रेवाड़ी की जनता को मैं उसके उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब ने कहा था कि जब बाबा साहब संविधान लिख के आए थे उन्होंने कहा था कि अब माँ के पेट से राजा महाराजा रानी पैदा नहीं होंगी, प्रति व्यक्ति अब लोगों की वोट से महाराजा राजा बनेंगे। और बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तब बाबा साहब ने एक बात कही थी, और जब बराक ओबामा जब पूर्व राष्ट्रपति अमेरिका के जब वो अपनी सभा में उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो प्रत्येक भारतीयों के अधिकारों की रक्षा करता है। आज का कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि संविधान बचाने की बात करिए तमाम विपक्षी पार्टी तो आज मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भी असामाजिक या ताकतों ने अगर संविधान से छेड़छाड़ करी तो वो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इस भारत के संविधान की और देश के पूर्व राष्ट्रपति तारीफ करते हैं तो यहाँ के कुछ नेताओं को क्यों तकलीफ होती है इस संविधान से। आज पूरा कार्यक्रम क्या था आपका? आज हम श्री गुरु रविदास मंदिर से आज युवाओं में मेरी माताओं आप देख रही है कितने जोश डीजों के साथ होश उल्लास से आज हम बाबा साहब की स्टैचू के ऊपर माल्यार्पण करने के लिए आए और आज बड़ी धूमधाम से हमारे आज 5-6 प्रोग्राम है इस उपलक्ष्य में। आज ये क्या कहेंगे, आपने भी माल्यार्पण किया, फूल अर्पित किए? ये बाबा साहब को आज हमने श्रद्धांजलि पूरी पार्टी ने ही दी है, क्योंकि बाबा साहब इस देश के पिछले दलित बैकवर्ड गांव ग्रामीण को वो आधार दे के गए हैं जिसमें सबको हक मिले। और बाबा साहब से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि किन हालातों में उन्होंने इतनी बड़ी शिक्षा प्राप्त की और उस शिक्षा के बावजूद भी उन्होंने यहाँ तक पहुँचने में कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। खाली नाम लेने से नहीं, उनके जो जीवन चरित्र था उससे हम सब लोगों को देशवासियों को सीखना चाहिए कि आप देख रहे होंगे कि 1891 में जन्म हुआ आज ही के दिन, और कितना लंबा उस समय तो हम आज़ाद भी नहीं थे। और पहले जो जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट थी उसमें कानून मंत्री थे, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा साहब को कभी कांग्रेस ने वो सम्मान नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। आज आदरणीय मोदी जी ने बाबा साहब की जहाँ शिक्षा हुई, जहाँ दीक्षा हुई, जहाँ जन्म हुआ, जहाँ निर्माण दिवस हुआ, को पंच तीर्थ बनाने का काम किया। इससे पहले ये बना सकते थे और आज आपने देखा कि जब मैं विधानसभा में लोगों के आशीर्वाद से पहुँचा हूँ तो उससे पहले 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना और मुझे लगता 57 साल तक बाबा साहब को उस विधानसभा में भी याद नहीं किया गया, लेकिन आज पहली बार बाबा साहब की जो मूर्ति वहाँ लगाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, हाल ही की सरकार ने किया है। जैसे मंदिर के गेट खोलते ही भगवान के दर्शन होते हैं, वैसे ही संविधान के निर्माता के दर्शन विधानसभा में घुसते ही होते हैं और ऐसी अनेक योजनाएं पार्टी तमाम तरह के। आप कहते हैं कि आपने पूछने का, वो कहते हैं कि संविधान को कहीं ना खत्म करने का काम कर रही है भाजपा। नहीं, कोई संविधान खत्म नहीं कर रही। संविधान देखिए
आज कोई चीज वर्तमान परिस्थिति के अनुसार ठीक नहीं हो तो बदलनी भी चाहिए, क्योंकि पुरानी चीजें वो बहुत पुराने समय की हो गई। आज आप देख रहे हो पॉपुलेशन भी कितनी बढ़ गई, विकास भी कितना हो गया, और परिस्थितियां भी, हालात भी, भौगोलिक स्थिति भी जब बदलती जा रही है, तो उनके अनुसार कानून को भी अगर जो कारगर नहीं है समाज के वेलफेयर के लिए, उनको बदलने में कोई बुराई नहीं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 133वें जन्मदिन पर मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और बाबा साहब ऐसे समय में उनका जन्म हुआ जब जात पात का बहुत बोलबाला था, गरीब और अमीर के बीच में बहुत बड़ी खाई थी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने जो उच्च शिक्षा ग्रहण की और उस शिक्षा के जरिए इस समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, और उन्होंने सब समाजों के लिए काम किया, हर वर्ग के लिए उन्होंने काम किया। और आज जो हमारा संविधान जिस पर हम काम, मतलब हमारा सारा देश चल रहा है, उस संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रहे, और उन्होंने सभी को जो अधिकार दिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो अधिकार, सभी को सम्मान दिए, और आज चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी उस संविधान के अंदर काम करते हैं। और आज जितने भी हमारे तीनों, चाहे कार्यकारिणी हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे संविधानिक जो भी हैं, सब उसी के तहत काम कर रहे हैं। तो बाबा साहब ने जो एक महामानव थे वो, और उन्होंने हर समाज को जो एक नई दिशा दी, उनको हम चरणों में आज नमन करते हैं। और हम सब समाज को ये कहते हैं कि जो बाबा साहब ने शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो, ये जो उन्होंने एक मूल मंत्र दिए थे, ये सभी समाज के लिए, वो किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है। और बाबा साहब सभी जातियों के नेता थे, और उनको एक जाति में बांधना उनके कद को छोटा करने वाली बात है। देखो, बाबा साहब ने जो काम किए और उन कामों को जो आज देश की सरकार और प्रदेश की सरकार उनको साकार करने का जो काम कर रही है, गरीब उत्थान के लिए, अंत्योदय का जो उत्थान है, गरीब कल्याण के लिए जो काम कर रही है, तो उस संकल्प को दोहराते हुए आज भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के जो दिए हुए जो मूल मंत्र थे, जो उन्होंने जो शिक्षा दी, उसको आगे बढ़ाने का काम करे। संकल्प प्रभुत्व की बात देखो, गरीब और गांव, हमारा जो देश का जो बड़ा हिस्सा है वो गाँव में रहता है, गरीब लोग हैं, तो इनकी चिंता करना पार्टी का, देश के, सरकार का एक दायित्व है, और हमारी सरकार इस पर पूरी तरह से काम कर रही है।